रामपुर और आजमगढ़ से सपा उम्मीदवार के नाम फाइनल। उपचुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर देने की रणनीति तैयार। रामपुर में आजम की जगह इस बड़े नाम का चुनाव लड़ना तय। आजमगढ़ में कोई रिस्क नहीं लेंगे अखिलेश यादव। देखिए किसे कहां से बनाया गया है सपा की तरफ से उम्मीदवार। उपचुनाव का बिगुल बज चुका है और चुनावी चौसर भी बीत चुकी है। ऐसे में सपा की तरफ से एक कदम आगे निकलते हुए उम्मीदवारों के नाम भी फाइनल कर लिए गए हैं। हर सपाई को इंतजार था कि रामपुर लोकसभा उपचुनाव में और आजमगढ़ से किसे टिकट मिलेगा, तो वो इंतजार भी खत्म हो गया है और अब समाजवादी पार्टी का फोकस इस मुद्दे पर है कि चुनाव जीता कैसे जाए। जहां तक समीकरणों की बात है तो रामपुर हो या फिर आजमगढ़, दोनों ही जगह विधानसभा चुनाव में सपा का प्रदर्शन काफी शानदार रहा है। ऐसे में जीत भी पार्टी की ही दिखाई दे रही है, लेकिन उम्मीदवार किसे बनाया गया है ये हर कोई जानना चाहता है। तो फिर देर न करते हुए आपको बताते हैं कि कहां से किसे टिकट मिला है। लेकिन पहले आप बताएं कि क्या रामपुर और आजमगढ़ में सपा फिर से मैजिक करेगी? क्या सपा बीजेपी को टक्कर दे पाएगी? आपकी राय क्या है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब बात करते हैं दोनों लोकसभा सीटों में से तय हुए उम्मीदवारों की। आजमगढ़ लोकसभा सीट से सपा प्रमुख अखिलेश यादव और रामपुर सदर से विधायक मोहम्मद आजम खान ने 2 महीने पहले विधायक बनने के बाद इस्तीफा दे दिया था। दोनों ही सीटों पर सपा का कब्जा था। ऐसे में एक बार फिर से कब्जा कायम रखने के लिए अखिलेश यादव की अगुवाई में सपा दम भर रही है और अखिलेश यादव के साथ साथ आजम खान भी अब कोशिशों में लगे हैं कि सीट को हाथ से न जाने दिया जाए। सवाल इस बात का है कि क्या आजम खान के परिवार से ही कोई रामपुर से लोकसभा का उपचुनाव लड़ेगा, और साथ ही सवाल था कि क्या अखिलेश यादव किसी बेहद करीबी को आजमगढ़ से टिकट देंगे। तो दोनों ही सवालों का जवाब हां में इसलिए मिलता दिखाई दे रहा है क्योंकि रामपुर से आजम खान के बेहद करीबी और पूर्व मंत्री भगवत शरण गंगवार और पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम रेस में आगे चल रहा है, जिसमें से पूर्व मंत्री भगवत शरण गंगवार का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। वहीं बात की जाए आजमगढ़ की तो आजमगढ़ से भी पूर्व सांसद डिंपल यादव का नाम लगभग फाइनल माना जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि अब आजमगढ़ से डिंपल यादव ही चुनाव लड़ेंगी। पहले डिंपल यादव को राज्यसभा भेजने की तैयारी थी, लेकिन बाद में अखिलेश यादव ने फैसला बदल दिया और जयंत चौधरी को राज्यसभा भेज दिया गया। ऐसे में अब डिंपल यादव को आजमगढ़ से चुनाव लड़वाने की लगभग तैयारी पूरी है, बस औपचारिक ऐलान बाकी है। बात की जाए दोनों लोकसभा सीटों की तो यहाँ मुस्लिम मतदाता निर्णायक स्थिति में है। रामपुर हो या फिर आजमगढ़, दोनों ही लोकसभा सीटों पर जीत उसी की होती है जिसके खाते में मुस्लिम मतदाता होते हैं। ऐसे में अब सपा फायदे में दिखाई दे रही है। विधानसभा का चुनाव सपा ने आजम खान के बिना लड़ा और स्थिति मजबूत बनाई, तो अब आजम खान जैसी संजीवनी और ताकत अखिलेश यादव के साथ होगी और जो भी उम्मीदवार होगा वो आजम खान के आने से और मजबूत हो जाएगा। ऊपर से रामपुर में आजम खान की पसंद का प्रत्याशी ही होगा, तो आजम खान के बलबूते सपा की जीत होना तय है। हालांकि सपा आलाकमान स्वामी प्रसाद मौर्य को भी एडजस्ट करना चाहता है। वो फाजिल नगर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी से चुनाव हार गए। स्वामी प्रसाद मौर्य को लोकसभा भेजने से पार्टी को मौर्य वोट में फायदा होना तय है क्योंकि मौर्य मतदाता हर विधानसभा में 10 से 70 हजार तक है, लेकिन रामपुर में आजम खान की पसंद का प्रत्याशी होगा। हालांकि आजम खान के प्रत्याशी कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेजने के बाद सपा और अखिलेश यादव से उनकी नाराजगी काफी कम हुई है। रामपुर और आजमगढ़ में लोकसभा उपचुनाव के लिए 30 मई को गैजेट्स नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। यहां नामांकन की आखिरी तारीख 6 जून रखी गई है। 7 जून को नामांकनों की स्क्रूटनी की जाएगी। 9 जून तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे, जबकि 23 जून को वोटिंग और 26 जून को मतगणना होगी। रामपुर लोकसभा सीट पर करीब 16,50,000 मतदाता हैं। यहां मुस्लिम मतदाता करीब 54% हैं। 20% मतदाता कुर्मी भी हैं, जिसके चलते भगवत शरण गंगवार मुस्लिम और कुर्मी मतदाताओं के सहारे चुनाव जीत सकते हैं। हालांकि बिना आजम खान के जीत नामुमकिन है। 2019 में आजम खान ने बीजेपी प्रत्याशी जयाप्रदा को करीब 1,10,000 वोटों से हराया था। अब देखना यह है कि रामपुर और आजमगढ़ में सपा क्या मैजिक करती है और कैसे अपने दबदबे को कायम रखते हुए बीजेपी को परास्त करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।